ओके okay. नाउ मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद है मैंने शुरू में बोला था कि मैं सर्कल ऑफ भी बोल सकता सर्कल ऑफ़ हूं लेकिन मैं, उसका जो है, kind of हमने जो पीछे किया था जो सेकंडिनेटल बात थी नाव आपको मैंने बताया ना कि जी मूव टू एन एफ डी मूव टू ए जी तो ये जनरली हमारा ऑर्डर है प्रोग्रेशन है Uh, इस ऑर्डर में कॉर्ड्स मूव करते हैं ठीक है जिसको हार्मोनिक रिलेशन बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाता है सो बेसिकली जी मूव्स टू अ अफ डी मूव्स टू अट टू अलैट डी टू इस ऑर्डर में मूवमेंट हो रहे हैं सारे करेक्ट तो अगर हमारे इस ऑर्डर में मूवमेंट्स हो रहे हैं ना देन वाई शुड बी रिमेंबर इट लाइक दिस वाई शुड बी रिमेंबर सर्कल ऑफ फिफ्स क्योंकि C टू अ जी इतना पॉपुलर नहीं है जितना G टू अ सी प्रोग्रेशन है ओके सो दैट इज द रीजन वाई आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट कि अफकोर्स दोनों याद कर सकते हो तो दोनों याद करो लेकिन अगर एक याद करना है तो सी एफ बीट जी बीट जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन चिंटू गोज डाउन एंड नीड्स ब्रेकफास्ट दैट ठीक है तो आई मीन दिस दिस डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस डायरेक्शन क्योंकि इस ऑर्डर में आपके कॉच के मूवमेंट होते हैं हमने मास्टर क्लास जो करी थी उसमें हमने टू फाइव वन की बात करी थी टू फाइव वन भी आप देखेंगे ना सब इसी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑल ऑफ़ ऑल दफ देर इन दिस डायरेक्शन सो डू दैट ऑन योर ओन अगर आप मेरे जायज़ स्टेज वन के है, you know well, स्टूडेंट्स हैं देन यू नो दिस वेरी वेल कि हमारे टू फाइव वन हमने सब करे हुए हैं ऑल ऑफ़ देम आर इन द सर्कल ऑफ़ फोर्थ इसी ऑर्डर में है ठीक है तो या दैट्स द रीज़न वाई आई आई टू ऑलवेज रिमेंबर द सर्कल ऑफ़ फोर्थ्स एंड नॉट द सर्कल ऑफ़ फर्थ क्योंकि हमारे जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हैं मूवमेंट्स हैं वो

उसमें हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे बट इफ यू हैव टाइम आप खुद इस पर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं बट डोंट वरी अगर रिसर्च नहीं भी करनी तो आई एम देयर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द तो ये जो मूवमेंट होता है फाइव टू वन दिस इज कॉल्ड एन ऑथेंटिक केडेंस जो हमारा फोर टू वन केडन जो होता है मूवमेंट होता है जो क्लॉक होता है इसको बोला जाता है प्लेगल केडेंस प्लेगल केडेंस ये होता है हमारा फाइव टू वन ये हमारा होता है फोर टू वन ये जो हमारा एफ टू सी सी टू जी ये बेसिकली फोर टू वन मूवमेंट है ना ये हमारा फोर्थ है C D E F टू C, ये फोर टू वन मूवमेंट है ये हमारा फाइव टू वन मूवमेंट है तो ये मूवमेंट जो है एंटी एंटीक्लॉकवाइज दैट कॉल्ड ऑथेंटिक ऑथेंटिक्स जो बहुत ही कॉमन होता है ये जो मूवमेंट होता है दैट इज प्लेगल केडन्स ये भी कॉमन होता है लेकिन इट्स नॉट एज कॉमन ठीक है सो so ये बस ऐसी आपको साइड नोट बता दिया टिट बिट नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ बट अगर आप जानना चाहते हैं तो वाई नॉट सो दैट वज द रीजन वाई आई प्रीफर टू कॉल इट सर्कल ऑफ फोर्थ एंड नॉट द सर्कल ऑफ फिफ्थ बट यू कैन कॉल दे बोथ आ करेक्ट आप दोनों कर सकते हैं